नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बेहद टेस्टी और क्रिस्पी समोसा बनाकर बताऊंगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर आल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए, चलिए अब हम समोसा बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैदा है जो मेरे पास बचा हुआ था, तो इसको ले लिया। इसको छलनी से छान लेंगे और थोड़ा सा निकाल कर रख दे रही हूँ जब इसकी रोटी बेलेंगे उसके लिए। अब हम मैदे में डालडा मिला ले रहे हैं। वैसे इसको गरम करके मिलाते हैं तो अच्छा रहता है। तो जैसा कि 1 किलो मैदा में 250 ग्राम डालडा पड़ता है या कम से कम 200 ग्राम, तो उसी हिसाब से इसमें मिलाएंगे। तो हमने इसको मिला लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं और इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला लेते हैं, बेकिंग सोडा नहीं मिलाएंगे। और इसको अच्छे से हाथ से मिलाकर मैश कर लेते हैं। पूरी अच्छी तरह से डालडा को मैश कर लेंगे। तो अब हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब चलिए इसको गूंथकर एक डोह तैयार कर लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर अच्छे से इसको गूंथ लेते हैं और टाइट ही गूंथेंगे, ढीला नहीं गूंथेंगे। कम से कम इसको 5 से 6 मिनट गूंथेंगे, क्योंकि थोड़ा ही है लेकिन फिर भी इसको अच्छे से गूंथेंगे। और इसको गूंथने के बाद इसको हम ढक कर रख देंगे। अब हमने इसको गूंथ लिया है तो अब हम इसको एक कटोरी में ढक कर रख देते हैं। अब हमने आटे को गूंथ लिया है तो चलिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, या जो समोसा का मसाला है होता है उसको तैयार कर लेते हैं। हमने तेल गरम कर लिया है, इसमें एकदम थोड़ा सा हम जीरा डाल रहे हैं। आपको जीरा ज़्यादा खाना पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, मुझे नहीं पसंद है इसलिए थोड़ा डाल रहे हैं। या इसमें पंच फोरन जो होता है बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने बारीक मिर्ची को काट लिया है तो इसको हमने डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज को डालकर एकदम अच्छे से लाल होने तक और डीप ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो हमने प्याज और मिर्ची को भून लिया है तो इसमें हम थोड़ा सा मसाला मिला देते हैं। मसाला मिलाना खास ज़रूरी नहीं होता है, हल्दी पाउडर ज़रूर मिलाएं। तो इसमें जो सब्ज़ी में मसाला डलता है उसको भुने हुए मसाले को मिलाएं, कच्चे मसाले ना मिलाएं। ये हमने जो सब्जी का मसाला है मिक्स मसाला वो हमने मिलाया है 1/2 चम्मच। और इसमें धनिया पत्ती मिलाया है, धनिया पत्ती इतना ज़्यादा ना डालें, बहुत ही कम डालें। अब मेरे पास पड़ा था तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है बना ही लेते हैं, क्योंकि धनिया पत्ती ज़्यादा होने से उसका स्वाद उतर जाता है। और इसको भून लेते हैं अच्छे से 1 से 2 मिनट तक। और इसमें उबले हुए मैश किए हुए आलू को हम अब डालकर इसको भी अच्छे से भून लेते हैं और इसमें कढ़ाई में इसको मैश कर लेते हैं। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेते हैं। इसको एक कम से कम 2 मिनट तक भूनेंगे। आलू को हमने अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच वो मिला देते हैं, चाट मसाला। बस आप चाहें तो इसको बस ऐसे ही आलू को भूनकर हल्दी मिलाकर और पंच फोरन मिलाकर समोसा बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं।
अब ये स्टफिंग तैयार है, तो अब हम गैस बंद कर लेते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चाट मसाला मिलाने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक भून लिया है, तो अब ये पक चुका है। अब हम इसको गैस से उतार लेते हैं और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये आलू बिल्कुल सूखा सूखा है, इसलिए सूखा सूखा हो गया है। जो एक सफ़ेद वाला आलू होता है थोड़ा गीला होता है। अब हमने समोसा का मसाला या स्टफिंग तैयार कर लिया है, तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब जो मैदा हमने गूंथ कर रखा था, इसको अच्छे से मसल कर और इसको अच्छा सा एक पतला रोल बना लेते हैं। इसको छोटी छोटी लोइयां तोड़ लिया, आप उतनी लोई लें जितने में रोटी बनाते हैं। हमने कुछ छोटा ले रखा है, छोटा छोटा बनाएंगे। तो देखिए इतने 100 ग्राम रहा होगा मैदा, इससे ज़्यादा नहीं रहा होगा, तो इसमें 8 समोसे बनेंगे। तो इसको इस तरीके से गोल बेलने के बाद इसको इसे लंबा बेल लीजिए, इसे लंबा बेलने के बाद थोड़ा और लंबा कर लेना चाहिए। ये जितना लंबा रहेगा समोसा उतना लंबा होगा। इस तरीके से इसको लंबा बेल कर और इसको हम बीच से ऐसे कट कर लेंगे इस तरीके से। और जितने भी आटे हैं, जितनी लोइयां हैं, उसको बेल कर हम बीच से कट कर लेंगे और इसको लंबाई में बेलेंगे। थोड़ा गोल बेल कर फिर इसको लंबा बेलेंगे और सबको इस तरीके से ठीक बीच से कट कर रख लेंगे। तो अब हमने सारे को बेल लिया है और बना लिया है, मतलब कट करके रख लिया है। तो अब हम इसमें स्टफिंग भरते हैं। तो देखिए इसको इस तरीके से लेंगे, अंगूठे पर रखेंगे और पानी की मदद से इसको ऐसे बंद कर लेंगे। अब इसमें हम स्टफिंग भर देते हैं। स्टफिंग चाहे तो थोड़ा कम भरें क्योंकि समोसा बहुत छोटा है। अब मैं तो कुछ ज़्यादा ही भर रही हूँ। अगर समोसा मतलब आपने पूरी या रोटी बड़ी बेल रखी है तो आप उसमें ज़्यादा भर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सारे समोसे बना लेंगे। और अब हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। इसमें स्टफिंग भर कर इसको पानी लगाकर चारों तरफ से पानी की मदद से बंद कर देंगे और सारे समोसे इसी तरह से बना लेंगे। तेल को हाई फ्लेम पर ही गरम करेंगे और जब तेल गरम हो जाए तो इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसके बाद हम इसमें सारे समोसे को डाल लेंगे और लो फ्लेम पर इसको 7 से 8 मिनट तक तलेंगे। गैस की आंच लो ही होनी चाहिए। तो अब हम इसको तल कर दिखाते हैं। तो देखिए इसको 1-2 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहने दें, फिर इसके बाद पलट लेते हैं। तो अब इसको हम चलाते हुए तल लेंगे और 7 से 8 मिनट तक तलेंगे। तो अब देखिए ये समोसा लगभग हम तल लिए हैं, तल चुके हैं। तो अभी इसको हिलाते डुलाते हुए तलेंगे, इसको डीप ब्राउन होने तक तलेंगे। अब समोसे पक चुके हैं तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। आप इसको
टमाटर की मीठी चटनी या टोमेटो केचप या इमली की मीठी चटनी के साथ सर्व करें, बेहद टेस्टी लगता है। तीखी चटनी के साथ हम इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें तीखा तो पहले से ही डला हुआ होता है, तो मीठी चटनी के साथ काफ़ी अच्छा लगता है।